on 91.9 Friends FM. Hey friends, this is Minilanjana with the Weekend Lifestyle. Aro ekta Saturday eshe poreche ar Weekend Lifestyle e shuru ta korbo ekto onno bhabe as amar shonge ei muhurte royeche Animesh. Animesh, where are you? Bolo. Thank you so much Minilanjana. Well, baate hone wali hai none other than hum sab ke favorite Sharman Joshi ke sath jo Kolkata shehar mein aa chuke hain aur jiski radio channel ke sath unki baate ho rahi hai to wo ho rahi hai sirf aur sirf 91.9 Friends FM pe. Ji ha, aaj bahut hi shandar thi, aaj ek play hum sabhi enjoy karne वाले रोटरी क्लब ऑफ कलकत्ता यूवीज एंड इनर व्हील क्लब ऑफ कलकत्ता मेट्रो मैदान लेकर आए हैं एक बार फिर से राजू राजा राम और मैं, और हमारे साथ इस वक्त शर्मन है, उनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव बातें होने वाली है। शर्मन, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता शहर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड इट्स वंडरफुल टू बी बैक इन कोलकाता वंस अगेन। इस बार ही बहुत कमाल का हुआ है, पिछले 3 महीने में मैं 3 बार कोलकाता आ चुका हूँ और कोलकाता के लोगों को मैं ढेर सारा धन्यवाद देना चाहूंगा कि बार बार हमें बुला रहे हो और आपके खूबसूरत शहर में आने का मौका हमें मिल रहा है। क्या बात है, वैसे बता दूं कि इस वक्त लाइव ऑन दी ड्राइव उनके साथ बातें हो रही है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले लैंड किए हैं और हम होटल 5 सितारा होटल की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे बता दूं कि शर्मन आज कोलकाता शहर में अगर कोई हैपनिंग प्ले हो रहा है तो वो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कला मंदिर में, 6:30 बजे होने वाला है। बातें हो रही है राजू राजा राम और मैं की, एक 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 कैरेक्टर को मैं प्ले नहीं कर सकता, आप 4-4 कैरेक्टर सर प्ले कर रहे हो, कुछ कहना चाहेंगे एक बार फिर से अपने अपने इस प्ले के बारे में? ये कमाल का प्ले है, इसका ओरिजिनल वर्जन सही ने तकरीबन 3,000 शो किए हुए हैं। इसके राइटर डायरेक्टर केदार शिंदे ने ही ये प्ले को हिंदी में एडेप्टेशन किया है मुझे। हम तकरीबन 1.5 साल से इस प्ले को कर रहे हैं, हमने अभी 70-80 परफॉर्मेंसेस कर लिए इसके, और मेरे हिसाब से ये प्ले ब्रॉडवे के बिल्कुल कंपैरिजन में नहीं तो शायद अगर उनसे बेहतर नहीं तो डेफिनेटली एज गुड एज दोस प्ले। इट इज एन एक्सेप्शनली रिटन फास्ट कॉमेडी प्ले है और बहुत ही खूबसूरती से केदार ने उसको डायरेक्ट किया है। स्टेज पे बहुत ही लिमिटेशन होती है डायरेक्शन की, उसके बावजूद केदार ने इस प्ले के साथ ऐसा खेल खेला एज ए डायरेक्टर। इधर इट्स लाइक अ विजुअल ट्रीट टू सी दिस प्ले। वेल, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि कहा जा रहा है कि 10 साल के बाद आप रिटर्न किए, आप थिएटर में एक बार फिर से रिटर्न कर रहे हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले भी हमने इस प्ले को एंजॉय किया था, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस क्यों हो गया सर, इतने दिन के बाद क्यों रिटर्न किया? जी शायद सब जानते नहीं होंगे, मेरी शुरुआत थिएटर से है, मेरे फादर थिएटर से ही जुड़े हुए थे 30-35 साल, उन्होंने बेहतरीन काम किया थिएटर में, गुजराती थिएटर से जुड़े हुए हम लोग, और मेरी शुरुआत भी वहीं से हुई गुजराती थिएटर में, और तकरीबन 10 साल लगातार मैं गुजराती थिएटर करता रहा और उसके साथ साथ अपनी फिल्में भी करता रहा। उसके बाद एक थिएटर टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू, जितना आपको जॉय देता है एज एन एक्टर दैट मच इट डिमांड्स आउट ऑफ यू ऑल्सो, तो दोनों काम साथ में करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था उन दिनों, तो मैंने थोड़ा सा एक क्या कहते हैं सेबेटिकल ले लिया था थिएटर से, लेकिन 10 साल के बाद वो फिर से यू नो द डिजायर टू बी बैक टू थिएटर, वंस अ थिएटर पर्सन ऑलवेज अ थिएटर पर्सन, एंड आई एम सो ग्लैड आई एम बैक, एंड इन अ वे आई फील आई शुड हैव जगल्ड माय टाइम बिकॉज आई फील आई डिप्राइव्ड माय सेल्फ एज एन एक्टर, एंड इट्स सच अ जॉय टू बी ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस, द थ्रिल इज एक्सेप्शनल, कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू एनी अदर एक्सपीरियंस। बाकी शर्मन सर के साथ हमारी बिल्कुल लाइव इस वक्त बातें हो रही है 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे, लाइव ऑन दी ड्राइव है हम इस वक्त और बातें हो रही है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उनके प्ले की, राजू राजा राम और मैं की। वेल, बता दूं और भी ढेरों बातें उनके साथ होने वाली है, बस थोड़ी देर में छोटा सा ब्रेक लेते हैं बैक स्टूडियो। वेल, थैंक यू सो मच एनिमेश, अब तो शुरू करा जाए वीकेंड लाइफस्टाइल विद फ्रेंड्स ऑन टूरिज्म 91.9 फ्रेंड्स एफएम में लांजना रोएसी तुम्हारे संगे यार अनिमेश बोले बाल। थैंक यू सो मनी लांजना, बिल्कुल सही कहा, हमारे साथ अभी भी है नन अदर देन हम सब के फेवरेट शर्मन जोशी जो कोलकाता शहर में है और लाइव ऑन दी ड्राइव उनके साथ हमारी बातें हो रही है और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रोटरी क्लब ऑफ कलकत्ता यूवीज एंड इनर व्हील क्लब ऑफ कलकत्ता मेट्रो मैदान लेकर आए हैं राजू राजा राम और मैं, ये कला मंदिर में आज 6:30 बजे के नजदीक हम सब एंजॉय करने वाले हैं और सर के साथ एक बार फिर से बातें होगी। फिर जानना चाहूंगा कोलकाता लेकर थोड़ी सी हम बातें करें, जैसे कि आपने कहा कि पिछले 3 महीने में 3 बार आपको यहाँ पे इन्वाइट किया गया, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं आपको, कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की कितनी चीजें जो सबसे ज्यादा आपको पसंद आती है? मुझे पार्क स्ट्रीट बहुत ही पसंद आता है, अब कई सालों से आसपास कोलकाता आ रहा हूँ और
इस बार भी तीन बार जैसे आपने कहा लगातार आ चुका हूँ अभी पिछले तीन महीनों में, लेकिन पार्क स्ट्रीट से हमेशा बहुत प्यारी मेमोरी जुड़ी है क्योंकि सिटी को पहली बार जब आप विजिट करते हो तब एक उसकी एक पहलू आपको बहुत पसंद आता है, तो पार्क स्ट्रीट एक ऐसा पहलू रहा है कोलकाता का जो मुझे हमेशा से बहुत पसंद आया है। और मुझे यहाँ की मिठाइयाँ, ऑफकोर्स हर बार आता हूँ तो आई हैव टू टेक बैग लोड्स ऑफ मिठाई फॉर एवरीवन एट बैक होम इन मुंबई, एंड I just like the buzz of the city. It's pretty much, it's quite close to Mumbai in that sense. Uski energy काफी हद तक मुंबई को मुंबई जैसी है, और कोलकाता एक बहुत बड़ा शहर है ऑफकोर्स, तो इन दैट सेंस यू डोंट मिस मुंबई इन एनी वेज। एंड व्हाट आई एनवी मतलब फ्रॉम द मुंबई पर्सपेक्टिव इज दैट कोलकाता को लोगों को बड़ी देर रात तक पार्टी करने का मौका मिलता है, और मुंबई के हम बेचारे लोगों को ऐसा कोई वी डोंट हैव सच एन एडवांटेज, हमारी नाइट लाइफ तकरीबन एक डेढ़ बजे खत्म हो जाती है और यहाँ पे उस वक्त को ये शुरू होती है नाइट लाइफ, तो यार दैट्स व्हाट आई एनवी। शर्मन बता दूं कि आपके साथ हमारी फ्रेंडशिप पे बातें होगी, ये हम पिछले दो दिनों से बातें कर रहे थे, बहुत सारे सवाल आपके लिए आए, एक दो सवाल मैं शेयर करना चाहूंगा। जहां तक लोग पूछ रहे हैं कि हेट स्टोरी थ्री और थ्री इडियट्स है, ये तीन का चक्कर क्या है सर, अगर आप थोड़ा खुलासा कर दें। या मेरी एक थर्ड पार्ट ऑफ द सीरीज आ रही है 1920 की, 1920 लंदन, आई होप वो भी फिल्म आपको उतनी पसंद आई जितनी आपको हेट स्टोरी थ्री और थ्री इडियट्स पसंद आई है। अब थ्री सीम्स टू बी अ लकी नंबर, इट्स वर्क सो फॉर टू ओकेजन, अभी थर्ड ओकेजन इज कमिंग अप, इफ इट वर्क्स आई विल मेक श्योर थ्री कम्स इनटू एवरी टाइटल ऑफ माय फिल्म। क्या बात है, जाते जाते जो लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं फ्रेंड्स एफएम पे, कई 40 लाख लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त सैटरडे मॉर्निंग, उन सभी से कुछ कहते हैं यही कहना चाहूंगा कि अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, इट्स आवर प्ले इज बीइंग परफॉर्मड दिस इवनिंग, डू कम एंड वॉच इट इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग मोर इंटरेस्टिंग देन दैट, आई अश्योर यू if the guys who are doing things which are more interesting in their mind, you will miss out on something really special. And have a great Saturday and look forward to seeing you this evening. Yeah, thank you so much, Sharman sir, हमारे साथ बातें करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। आने वाले दिनों में भी हम चाहेंगे कि आप कोलकाता शहर आते रहे, नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए, वहाँ बैठकर और भी ढेरों बातें करेंगे, और थैंक यू सो मच हम सबको इतने साल तक एंटरटेन करते रहे करने के लिए, और आने वाले दिनों में भी हम चाहेंगे आप इसी तरह हम सबको एंटरटेन करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ लाइव ऑन द ड्राइव, हमारे साथ है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर शर्मन जोशी जो कोलकाता शहर में, और किसी रेडियो चैनल के साथ उनकी बातें हुई तो वो हुई सिर्फ 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे, रोटरी क्लब ऑफ कलकत्ता यूवीज एंड इनर व्हील क्लब ऑफ कलकत्ता मेट्रो मैदान लेकर आए हैं राजू राजा राम और मैं कलामंदिर में, आज सभी हम नजर आने वाले हैं 6:30 बजे। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर बैक टू स्टूडियो।